लोग हैं, राजीव भाई दीक्षित को, उसको मैंने जो है छत्तीसगढ़ में, वो रायपुर के पास क्या है वो जगह, भिलाई, भिलाई के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो डॉक्टर जिंदा है, सारे साइंटिफिक एविडेंस जिंदा है। बोले स्वामी रामदेव के चेलों ने साजिश करके राजीव दीक्षित को मार दिया। अरे राजीव दीक्षित के माँ बाप जिंदा, उसका भाई जिंदा है, उसके लिए मैंने कम से कम 25 लाख उसके उपचार पर खर्च करवाए, सारे उसके वो इलाज के डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद में मैंने स्पेशल फ्लाइट से उसको 8-10 लाख रुपए खर्च करके हरिद्वार बुलाया, और उस समय जब उसको स्पेशल फ्लाइट से बुलाते हैं, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है बॉडी को, नहीं तो सड़ने लगती है। बोले उसको तो जहर दे दिया किसी ने। मैंने राजीव भाई दीक्षित से 4 घंटे बात की, मैंने कहा भाई तू जो है अब ये इमरजेंसी की बात है, उसको उसके खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक है, उसको पहले भी माइल्ड अटैक आया, अब हार्ट अटैक आ गया, उसको दिक्कत हो गई। तो राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, उसके भाई को उसके पास बैठा रखा था, भिलाई में उसका भाई उसके साथ था, वो जीवित है उसका भाई भी। अभी राजीव भाई दीक्षित तो जब संसार के सारे लोगों ने नकार दिया, किस सबने दुत्कार दिया, लोग गालियां देते थे उसको, मैंने मुझसे ये कहा कि नटवरलाल को स्वामी ने, रामदेव ने अपने हाथों में लिया है, अब इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। राजीव दीक्षित ने मुझे खुद गालियां दी थी आने से पहले, फिर भी मैंने कहा इस व्यक्ति में योग्यता है, देश के लिए मैं इसकी योग्यता का उपयोग करना चाहता हूं। उसको मैंने मंच दिया, उसको सम्मान दिया, प्यार दिया, आज भी प्यार करता हूं। लेकिन मुझे क्या मिला प्रसाद, कि स्वामी रामदेव के चेलों ने साजिश करा के, अरे भाई उस आदमी के लिए मैंने क्या नहीं किया, उसको सम्मान दिया। उस व्यक्ति को मैंने कहा, बोले स्वामी जी मैं यदि एलोपैथी का उपचार लेकर के जिंदा भी रह गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, लोग कहेंगे ये जिंदगी भर योग आयुर्वेद स्वदेशी की बात करता था, हार्ट अटैक हुआ तो फिर एलोपैथी में जा करके इसने बाईपास और जो है एंजियोप्लास्टी करवा लिया। अरे मैंने कहा भाई पहले जिंदा तो रहे, बाद में बात करना। 4 घंटे वो सारे डॉक्टर जीवित हैं अभी भी, 4 घंटे तक बहस करता रहा। और हार्ट अटैक इतना तेज होता है भाई, उस समय इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले ले। यदि राजीव दीक्षित मेरी बात मानता तो आज राजीव दीक्षित के द्वारा देश का और भला हो सकता था। लेकिन हमको भी लानत लगा करके गया, और अकाल जो है वो एक एक प्रतिभा, एक व्यक्तित्व था, चला गया। ऐसे ही मतलब मैं तो कहते हैं ना, हमेशा संकटों के बीच में जूझता हुआ, कि तकलीफ इस बात की नहीं कि लोग और जमाना क्या कहेगा, मेरा उत्तरदायित्व है। कितने लोग कितनी ओछी बातें करते हैं। 2 घंटे तक मैंने फोन, किसी से भी बात करूं तो मैं संभल संभल करके, कि मैं योगी हूं, मुझे जीवन मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मुझे आचार्य भाषण जी की मृत्यु नहीं चाहिए, उनका जीवन चाहिए मुझे, इसलिए उनसे प्यार है मुझे। और ये प्रेम होना चाहिए कि योगी होकर के स्वामी रामदेव को जो है आंखों में आंसू क्यों आ गए, और योगी होकर के स्वामी रामदेव ऐसा क्यों किया, योगी होकर के स्वामी रामदेव उनको एम्स में क्यों लेकर के गया। अरे योगी होकर के क्या आचार्य भाषण को मरवा दो तब तुझे शांति मिलेगी, इस तरह के लोग बकवास करते हैं। तो मेरे सामने उत्तरदायित्व था कि क्या हुआ क्या है, आचार्य बालकृष्ण कभी बीमार हो नहीं सकते, और आचार्य बालकृष्ण की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो ईश्वर का भक्त होता है, परमात्मा भी उसकी रक्षा करता है, लेकिन हमारा काम हमें भी करना होता है।